दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए जहां एक और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को शराब पीकर गाड़ी ना चलाने के संबंध में जानकारी दी जा रही है, वहीं इस कार्य में अपना योगदान देते हुए लुधियाना में नव किरण वेमेन एसोसिएशन की ओर से स्टॉप ड्रिंक एंड ड्राइव के संबंध में एक रोड शो कर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नवकिरण वेमेन एसोसिएशन की मुखी अनीता शर्मा ने कहा कि नशा कर गाड़ी चलाना जहां खुद की जिंदगी के लिए घातक है, वहीं दूसरे लोगों के लिए भी घातक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो नशे का सेवन कर गाड़ी चलाते हैं। लोग नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, ओवर स्पीड गाड़ियां चलाते हैं, रोज ही पूरे पंजाब में 5-7-10 लोगों की मौत होती है उससे। जो बेकसूर लोग होते हैं, खड़े होते हैं सड़कों पे बस लेने के लिए, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, किसी को पता नहीं होता, बस चढ़ने के लिए खड़े हुए लोगों की भी मौत हो जाती है। जो नशा करके ड्रग लेके जान मेडिकल नशा लेके गाड़ी चलाते हैं, हमने उसके अगेंस्ट ये कंपेन करी है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।